नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद ही सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वसुंधरा राजे समर्थकों ने बगावत कर दी है। 41 में से दो दर्जन सीटों पर बागियों ने ताल ठोक दी है। वक्त की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के तहत केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में बागियों को मनाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है, लेकिन बागी झुकने को तैयार नहीं है। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद इन सीटों पर विरोध के सुर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। तिजारा विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में टिकट मिला है सांसद बालकनाथ को और विरोध में उतर चुके हैं पूर्व विधायक मामन यादव। दूसरे विधानसभा सीट झोटवाड़ा की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भाजपा ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया है, लेकिन विरोध में उतर चुके हैं पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और आशु सिंह सुरपुरा। कोटपुतली विधानसभा की अगर हम बात करें तो टिकट वर्तमान में बीजेपी ने हंसराज पटेल गुर्जर को दिया है और विरोध में उतर चुके हैं यादराम जांगल और मुकेश गोयल। देवली उनियारा ये विधानसभा सीट गुर्जर और मीणा बाहुल्य सीट है और इसमें बीजेपी ने टिकट दिया है विजय भैंसला को और विरोध में उतर चुके हैं राजेंद्र गुर्जर। किशनगढ़ विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है और विरोध में उतर चुके हैं विकास चौधरी। नगर विधानसभा सीट भरतपुर जिले में आती है और इसमें टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से जवाहर सिंह बेड़म और विरोध में उतर चुकी हैं पूर्व विधायक रही अनिता सिंह गुर्जर। बांसुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो टिकट मिला है देवी सिंह शेखावत को और विरोध में उतर चुके हैं पूर्व मंत्री रहे रोहिता शर्मा। सांचौर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में टिकट मिला है देवजी पटेल को और विरोध में उतर चुके हैं दाना राम चौधरी और पूर्व विधायक रहे जीवाराम चौधरी। झुंझुनू विधानसभा सीट अहम मानी जाती है और बीजेपी ने यहां टिकट दिया है बबलू चौधरी को और विरोध में उतर चुके हैं राजेंद्र भांबू। लक्ष्मणगढ़ सीट जहां वर्तमान में कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एमएलए हैं और बीजेपी ने इस बार बराबर की टक्कर देने के लिए सुभाष मेहरिया को टिकट दिया है और विरोध में उतर चुके हैं भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिराम रिणवा। डूंगरपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने पहली सूची में टिकट दिया है बंसीलाल कटारा को और विरोध में उतर चुके हैं माधवल वाराहट वसुंधरा राजे समर्थक। भरतपुर जिले की नगर की पूर्व विधायक अनिता सिंह गुर्जर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी प्रकार बांसुर से पूर्व मंत्री रहे रोहिता शर्मा ने टिकट नहीं मिलने पर भी बगावत है जो शुरू कर दी है। जयपुर ग्रामीण जिले से वसुंधरा राजे समर्थक जितेंद्र मीणा ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं, जबकि बस्सी से ही पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा समर्थकों से बातचीत करने की बात कह रहे हैं। सांचौर विधानसभा सीट घोषित उम्मीदवार सांसद देवजी पटेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। इस तरह बीजेपी की आपसी फूट है वो साफ नजर आ रही है और बीजेपी इस आपसी फूट को और आपसी टकरार को किस तरह संभालेगी, इस पर आपका क्या कुछ विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं नेहा जोशी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।